शक्ति रूपे संस्थिता नमस्तस्यै नमः शक्ति समन्विते सर्व मंगल मंगले। ये देखिए फ्रेंड्स, तो बहुत ही ऐसा यदवा एक नंबर के है ऊपर नहीं भक्त मतलब नहीं है। देखिए वो देख लीजिए में आपका स्वागत है। आज मैं अंबिकापुर के जो भी मतलब टॉप मॉडल में जो आते हैं मतलब पंडाल उसमें आप घुमाने वाला हूं, तो वीडियो बन रहेगा और आज सभी मतलब अंबिकापुर के जितने भी पंडाल हैं उसमें आपको घुमाने वाला हूं। ठीक है, वीडियो बन रहेगा और कंटिन्यू करते हैं। देखिए दोस्तों, दुर्गाबाड़ी घड़ी चौका, जो भी माता रानी के भक्त होंगे वो घर से दर्शन कर लेंगे और भैया जी प्रसाद सब बांट रहे हैं यहाँ पे, तो हम चलते हैं। अरे यहाँ पे तिरंगा झंडा के जो रहता है जैसा रहता है वैसा मतलब एक नंबर के सजाया गया है अंदर की भी एक नंबर के अंदर जाए लुक है। माता रानी को पता नहीं क्या है, बंद कर दिए हैं। जागृति नियोग मंडल जलतम चौक अंबिकापुर का दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ पे देखिएगा देख सकते हैं। जय माता रानी। लालटेन का किनारा तो सजाया गया है। माता रानी के दर्शन कर ले जो लगाए हैं। जस्टन चौक के जस्ट बगल में ही हम लोग आए हुए हैं, तो यहाँ भी एक देखे सदैव सेवा समिति आपका स्वागत अभिनंदन करता है। यहाँ पे हम आए हुए हैं और माता रानी के दर्शन आपको कराते हैं। घर बैठे आप दर्शन कीजिए माता रानी की और देखिए कितना ही सजाए गए हैं यहाँ पे, और यहाँ पूरा फूलों से सजाए हुए हैं। जो जो घर बैठे हैं इतना मस्त लाइटिंग वाइटिंग जगाए हुए हैं एक नंबर पे। देखिए वाह कितना सुंदर दिख रहा है माता रानी की, ऊपर देख सकते हैं आप। अब देख सकते हैं यहाँ पे इतना एक नंबर के झूमर से सजाया गया है माता रानी। जो भी भक्त देख रहे होंगे वो घर से दर्शन कर लीजिएगा। और गणपति बाबा जी कितना अच्छे देख रहे हैं, और पीछे टाइम पीछे साइड भी देख सकते हैं कितना अच्छे सजाए गए हैं फूलों से, और ये देख झूला कितना अच्छे से लगाए गए हैं यहाँ पे, अच्छा मस्त लगा किए हैं। तो ठीक है दोस्त, अब मैं कहीं और दिखाता हूँ। वेलकम माय बैक टू चैनल राजू ब्लॉग, आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत मस्त मौत स्वस्थ होंगे। मैं आज आया हूँ अंबिकापुर के आपका संगम चौक के बगल में देवी रोड में, और इधर कैलाश पर्वत जो है वहाँ दिखाता हूँ आपको मैं अंदर की ओर कैसा नजारे हैं, वीडियो बने रहेगा दोस्त। मैं अभी आया हूँ जस्ट संगम चौक के जस्ट बगल में देवी गंज रोड में। आप तो यहाँ पे मतलब कैलाश पर्वत की छाया पड़ती है, अब थीम बनाया गया है दुर्गा पंडाल, तो मैं जाता हूँ अंदर की ओर दिखाता हूँ आप लोगों को। बहुत भक्त यहाँ पे आए हुए हैं और दिखाता हूँ अंदर। ये देखिए जैसे कि यहाँ पर्वत में रहता है कजरा कुंडा का रख दिया है, अच्छा दिखता है यहाँ पे। तो चलिए भाई यहाँ की लाइटिंग की बात करूँ तो गजब के फेस दिया गया है, देख सकते हैं कितनी मस्त है अंदर लाइट दिया गया है कितना है। चलिए चलते हैं अब अंदर की ओर, हम लोग यहाँ लाइन लगाना पड़ रहे हैं, देख रहे हैं बहुत ज्यादा भीड़ है, तो चलते हैं अभी। ये देख फूल माला इधर से, ये देखिए माता रानी के दर्शन कर लीजिए आप यहाँ पे। जय माता दी। जितने भी दर्शक देख रहे हैं
कितने भक्त मतलब नहीं है देखे हुए, देख लीजिए, दर्शन कर लीजिए, घर से बैठे कर दर्शन कर सकते हैं आप। यहाँ अब यहाँ देखिए अंदर क्यों जाते हैं हम, ये देखिए, वाह भाई गजब क्लाइट किया गया है, अंदर भी देख सकते हैं आप, देख सकते हैं बहुत अच्छे से सजाया गया है यहाँ पे अंदर। और हम लोग आए हैं, बहुत लोग आए हुए हैं, अभी रात के 11:30 बज रहा है अभी, देख सकते हैं। और इधर चलते हूँ, दिखाता हूँ आपको बैक कर। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्त, ये बाहर जाने की रास्ता है, हम जाते हैं बाहर की ओर। और बहुत अच्छा यहाँ लगा आकर के, पहली बार यहाँ मतलब कैलाश पर्वत की सहपर्ती बना हुआ है यहाँ, मतलब दुर्गा पंडाल। तो हम बाहर की ओर जाते हैं और फिर अगले पंडाल की ओर हम जाएंगे, अभी दिखाएंगे आप लोगों को, तो वीडियो में रहिएगा। देख सकते हैं लाइटिंग है, बहुत अच्छे से सजाया गया है यहाँ पे। और दोस्तों फ्रेंड, हम लोग जा रहे हैं अभी मैं गुदड़ी चौक के पास, फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं, क्या बोलते हैं आपका गुदड़ी चौक के पास, जहाँ पे सजाया गया है, क्या आप बोलते हैं, तो हैं गजब के लाइटिंग लगा हुआ है भाई यहाँ पे। और यहाँ ऐसा लग रहा है कि सोने का वहाँ पूरा परत चढ़ा दिया है, ऐसा यहाँ डेकोरेशन किया गया है। तो चलते हैं दिखाते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स, तो बहुत ही ऐसा लग रहा है सोना का पूरा लगा हुआ है, एक नंबर के भाई दिख रहा है, क्या गजब के जैसे बनाया गया ना छत्रपति शिवाजी महाराज जी का। यहाँ पे बहुत अच्छा मूर्ति, मतलब इसमें सोने का पर्द दिया गया है, देख सकते हैं। और हम उस पर पंडाल है, पंडाल की ओर हम दिखाते हैं आप लोगों को, पीछे साइड पंडाल है, तो पंडाल में हम जाते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को, माता रानी के दर्शन कराते हैं। कितना अच्छा से देखे, फूल सजाया गया है इसको, और उधर तो मार्केट लगा हुआ है, चलते हैं, क्या गजब के भाई, ये देख रहे हैं फूलों से, बारिश भी हो रहा है, वाह भाई देख सकते हैं आप कितना अच्छा से, अरे वाह कितना खुशबू आ रहा है, अच्छे से अच्छा देख सकते हैं आप। यहाँ जितने भक्त हैं इनके बैठे हुए हैं, ये देखिए इधर भी अच्छा से है। तो जो भी माता रानी की जो ही भक्त होंगे वो माता रानी को यहीं से दर्शन कर सकते हैं आप। जय माता दी, जय माँ दुर्गे, कितना खूबसूरत है यार, अब कितना फूलों सजाया गया है ऊपर क्यों, देख सकते हैं हम कितना अच्छे से एकदम सजाया गया है यार, एक नंबर के दिख रहा है। और भक्तों लोग देखे पूरा यहाँ पे दर्शन करने के लिए, पूजा करने के लिए आए हुए हैं, ये देखिए इनका नंबर आ गया है, कितना अच्छा दिख रहा है कि बहुत बड़ा है यहाँ पे। और इधर से जाने के लिए है, तो मैं ये देखिए इधर से जाने के लिए है, बट मैं इधर से जाऊंगा नहीं अभी, क्योंकि मेरा शूज उधर वहाँ पे है, ये देख सकते हैं आप। गाइस वेलकम माय बैक टू यूट्यूब चैनल राजू व्लॉग में आपको स्वागत है, तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, मौसम में स्वस्थ होंगे। तो मैं आ जाया हूँ केदारनाथ के, मतलब शानदार मंदिर है जो की मतलब केदारनाथ के थीम पर है, और अंबिकापुर का सभी पंडालों में आपको मतलब वीडियो दिखा रहा हूँ, तो दिखाता हूँ आपको यहाँ भी कैसा लग रहा है, भी एक नंबर करेंगे, और देखिए वीडियो में देख सकते हैं आप अंदर की रंग, कृपया स्वच्छता बनाए रखे यहाँ पे, एक नंबर किया गया है। और ये देखिए जय माता, जय माता भद्रकाली देवी, एक नंबर के सजाया गया है पंडाल, देखिए Thank you.
हेलो फ्रेंड्स, अभी आए हुए हैं हम चौपाटी के पास, चैतन्य देवियों की छाटी आयोजक बस एक चौपाटी है इधर, और हम लोग आए ठीक में टाइम है। अभी यहाँ का सांवर खुलता है यहाँ पर का, तो अभी खुई खुल रहा है और मैं भी आया हूँ, बहुत दर्शक लोग भी देखने के लिए आए हैं, तो माता रानी के दर्शन कराता हूँ आप लोगों को। और जो भी माता रानी की देख सकते हैं आप, जन जन तक पहुँचाने वाली यही ज्ञान गंगा ब्रह्मा हमारी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै वात्सल्य की प्रतिमूर्त जिनके ध्यान मात्र से जन्म जन्म की स्मृत दृष्टि से हमारी बुद्धि जागृत होती है, दुनिया की विचारधारा को प्रगति के पथ पर ले जा मित्र संगम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भये विस्त्राहीनो देवी दुर्गे देवी देख सकते हैं कितना अच्छा सजाया गया है यहाँ पे पंडाल, और हम चलते हैं अंदर की ओर। जय माता दी। वाह भाई कितना अच्छा है, सुंदर है माता रानी की मूर्ति। बच्चे लोग देख रहे हैं कितना एंजॉय कर रहे हैं भाई, सभी लोग
यहाँ दान पेटी है, दान कर सकते हैं। और वह माता रानी कितना अच्छा दिख रही है। जो भी भक्त इनके श्रद्धालु होंगे, जो भी भक्त हैं उपासना जिन्हें करती होंगी माता रानी का, वो घर से दर्शन कर लीजिएगा। जय माता दी। मैं भी घड़ी चौक के पास हूँ और मैं आप लोगों को दुर्गा पंडाल के जितने भी अंबिकापुर के जितने भी टॉप थे, दुर्गा पंडाल जितने भी अच्छे बने थे, उन लोग मैं आप लोगों को पूरा घुमा चुका हूँ। और उसमें से आपको कौन सा बहुत अच्छा लगा उसमें आप कमेंट करके जो बताइएगा। और मेरे को तो भाई जो चौपाटी का बना था, जो भी मूर्ति मतलब हम आदमी लोग जो मतलब किए थे, बने हुए थे, तो मेरे बहुत अच्छा लगा। और जो आपका केदारनाथ हो गया और मतलब आपका कैलाश गुफा के थीम पे जो बना था, उन लोग को घुमा चुका हूँ आप लोगों को। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो फिर मेरे चैनल में जितना भी और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिर ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के बाय, जय श्री राम और नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। जय छत्तीसगढ़। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।